हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ केकेसी बुक सेट्स के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस, तो यहाँ पे आप लिंक भी देख सकते हैं लास्ट में केकेसी बुक सेट्स। और इसमें मैंने बताया है कि जो मैं लिंक और हमारी जो रीडिंग कंटेंट अगर आप एक बार लगा लेंगे, जैसे पैटर्न में रीडिंग कंटेंट हम इंक्लूड दे रहे हैं इधर, तो वो आपको बार बार नर्सरी में। तो गाइज, मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि बुक सेट्स कैसी हैं, क्या प्राइस रेट है उनके साथ जो है, कैसे बुक सेट्स है। आज बताने वाली हूँ कि उनके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। बताना जा रही हूँ कि अब साथ में आपको करिकुलम भी मिलेगा। लाइक आप 10 और 10+ सेट्स लेते हैं तो यू विल गेट द करिकुलम। और इस करिकुलम में क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, इसको आप जूम करेंगे दैट विल बी द मोर क्लियर। तो इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड 12 मंथ्स तक इस तरीके से ऐड किया है। इसमें जो सिलेबस आप देखेंगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपको महीने में क्या कराना है। जैसे आप जिस भी मंथ बच्चा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्रैल मंथ नहीं लिखा है क्योंकि तो प्लेस कोर्स में आपके एडमिशन्स जुलाई में, अगस्त, सितंबर, किसी भी महीने में होते हैं। तो फर्स्ट मंथ बच्चे का वीक 1 क्या जाना है, वीक 2 क्या जाना है, वीक 3 तो आप यहाँ देख रहे होंगे सबसे टॉप पे, और वीक 4। इस तरीके से आपको सारे वीक का मिलेगा कारिकुलम कि आपको वीक 1 में पैटर्न कराने हैं, पैटर्न से स्टार्ट करते हैं और मैथ्स में, ड्राइंग में, ओरल में, स्टार्टिंग में हमें क्या क्या करवाना चाहिए। तो ये बहुत डिमांड डाल दी कि मैम हमें क्या कराना है, कैसे कराना है और बुक सेट्स में कौन से पेजेस हैं। वैसे तो बुक सेट सीरियल वाइज ही बनी हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए हमने बता दिया कि आप वीक वाइज भी कैसे करेंगे। अब वीक में पूरे टाइम आपके 4 सिलेबस तो होते ही हैं, तो उस वीक में आपको पैटर्न में क्या कराना है, मैथ्स में क्या कराना है, ड्राइंग में क्या कराना है, ओरल में क्या कराना है, वो सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। और ये सिलेबस मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये प्ले ग्रुप और नर्सरी दोनों का मिक्सअप है जो मैं बुक सेट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो प्ले ग्रुप में हमारी 1 रिटर्न बुक है और ओरल उसके अकॉर्डिंग आप चलाएंगे, और नर्सरी में जो है वो हमारी 3 राइटिंग बुक है, कलरिंग है, मैथ्स है और नंबर है। और कई लोग नर्सरी और एलकेजी में बहुत कंफ्यूजिंग हो रहे हैं, हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो गाइस, एलकेजी आपकी जो स्टार्ट होती है वो 3+ पे स्टार्ट हो रही है। अब इससे पहले आप प्ले ग्रुप और नर्सरी को 2 में डिवाइड भी कर सकते हैं, और नर्सरी की में आप प्ले ग्रुप की 1 बुक भी लगा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग क्वेरीज की आपको पता नहीं कन्फ्यूजन हो रहा था। आई विल गिव द क्लैरिटी, लाइक आपको फर्स्ट मंथ क्या कराना है, ये सारी PDF आपको अलॉन्ग द जब बुक सेट्स आप बाय करेंगे आपको साथ में मिलेगा। तो ये देखिए, सब कुछ बता रखा है, डिटेल में दे रखा है स्क्रीन पर, आपको पेजेस, नंबर, इवन होमवर्क तक बताया है, क्लास में क्या कराना है, होमवर्क में क्या कराना है, एवरीथिंग इज हेयर। सो गाइज, इट्स अ ग्रेट डील कि आपको सारे 12 मंथ्स का सॉल्यूशन मिल रहा है। एंड दिस इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बुक सेट्स होती हैं हमारी, और आप CBSE की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हम अपने बुक सेट्स क्रिएट करते हैं। तो आप जो है इसमें देख सकते हैं, यू विल गेट द मल्टीपल थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या मिल रही है, खाली आपको बुक्स का नहीं, उसके साथ में एक आपको एक बेनिफिट और मिल रहा है कि हम ये आपको बताएंगे कि आपको जो फंक्शंस होते हैं, लाइक आपका मकर संक्रांति है, रिपब्लिक है, लोहरी है, यहाँ पे जूम देखेंगे तो मिडिल में हमने फंक्शन दिए हुए हैं, अब इनको कैसे करवाना है, आउटफिट क्या पहनना है, येलो कलर ड्रेस, ये बसंत पंचमी का अगर मैं रीड अप करूं, आपको वर्शिप करनी है, वर्शिप ऑफ सरस्वती माता की पूजा आप स्कूल में कर सकते हैं। किड्स हैव टू ब्रिंग क्या लेकर आना है, येलो कलर स्वीट। तो इस तरीके से मैं स्क्रीन पर पूरा ये दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको सारे फंक्शंस का हिंट अप मिलेगा। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैम मदर्स डे आ रहा है, मैम बसंत पंचमी, दिवाली, होली, तो दीज आर द वेज टू हेल्पिंग यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलेगी, मैं रीड करूँगी तो बहुत सारे फंक्शंस मतलब है आपको, मैं एक तरह से फंक्शंस बताई तो मदर्स डे, अर्थ डे, वर्ल्ड बुक डे, रक्षाबंधन, हैलोवीन पार्टी, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, क्रिसमस एंड न्यू ईयर इवनिंग, दिवाली, गांधी जयंती, जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे, होली, होली, बसंत पंचमी, लोहरी, रिपब्लिक डे, मकर संक्रांति। गाइस, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटी यू विल इंक्लूड इन योर स्कूल्स एक्टिविटी एंड सी द ग्रेट थिंग। मतलब इसका बहुत ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है, फेस्टिवल और इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्कूल्स में, तो इसको मैंने अच्छे से सेलिब्रेट किया इस PDF में। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ मंथली प्लानर, तो मंथली में भी आप कुछ और भी कर सकते हैं क्योंकि एक्टिविटीज़ मैंने बहुत सारी इसके अंदर डाली है।
और इसके अंदर देखिए फर्स्ट मंथ आपको क्या करना है, सेकेंड मंथ क्या करना है। तो फर्स्ट मंथ में एडजस्टिंग टू द स्कूल एनवायरमेंट ये मेंशन किया हुआ है मैंने, ठीक है। वेलकम कार्ड, वेलकम फ्रेम बना, ये मैं अपने कोर्सेज में बताती हूँ कैसे आपको बनाने हैं। नेक्स्ट आपका है सेकेंड मंथ में क्या क्या करवाना है, ग्रुप एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी करा सकते हैं आप, कुकिंग एक्टिविटी करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस। अब इसमें आपको एक्टिविटी भी मिल गई, बुक्स में कराने का सॉल्यूशन मिल गया, फंक्शंस का मनाने का मिल गया, अब आपको और क्या चाहिए। अब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ आपको इसी तरीके से डिवाइड किया। तो फर्स्ट मंथ में फाइन मोटर स्किल्स क्या जानी है, राइमिंग क्या जानी है, स्टोरी ऑफ द मंथ क्या होगी, थर्स्टी क्रो, फाइन मोटर स्किल में क्या क्या करवा सकते हैं, कैचिंग बॉल, होल्डिंग क्रेयॉन, स्क्रिबलिंग ऑन द बुक, ब्लॉकिंग गेम, वोकैबुलरी। और जो हमसे ये खरीदेगा उसको और थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि उनके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आप इस पीडीएफ के जरिए पूछ सकते हो। मींस गाइस यू विल गेट थ्री थिंग्स, लाइक फर्स्ट इज राइटिंग पोर्शन, ओरल पोर्शन, एक्टिविटी पोर्शन। इस तरह से तीन चीजों का सोल्यूशन आपको मिल रहा है। जिस तरीके से एक प्ले स्कूल का करिकुलम प्लान होना चाहिए बिल्कुल मंथ वाइज हमने आपको प्रोवाइड कराया है। और जो भी इन पीडीएफ को बाय करना चाहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आप ये तीनों पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये उन्हीं को देंगे, ये सेपरेटली हम बिल्कुल नहीं देंगे। ये बुक सेट्स के साथ मिलेगी एंड मिनिमम बुक सेट्स ऑर्डर इज 10। थैंक यू सो मच।